नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल ही अलग टाइप से बनाया जा रहा है जो घर है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसके साथ साथ इस घर को अंदर में किस तरीक़े से बनाया जा रहा है उसके बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो देख सकते हो कि सामने की तरफ का भी जो काम है, छज्जा निकाला गया है, इसे भी बिल्कुल अलग ढंग से, अलग टाइप से निकाला गया है। किस तरीके से अंदर में काम किया गया है पूरा जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर इस घर का साइज क्या है। दोस्तों, इस घर को 45 फीट बाई 30 फीट में बनाया जा रहा है। अगर आप 30 फीट और 45 फीट को गुना करते हो तो 1350 स्क्वायर फीट के आसपास में इसका साइज है वो आ जाता है, इसका एरिया आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस ढंग से इस घर को बनाया जा रहा है। पहले आ जाते हैं इस बनते हुए घर के साइड व्यू की तरफ। तो आप देख सकते हो कि साइड में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। ये जो आप जगह देख रहे हो, ये इस घर के सीढ़ी रूम है। पीछे में आपको इस घर के लिए जो पहला रूम है उसके लिए ये जगह आप देख पा रहे हो। बॉक्स नंबर डिजाइन के साथ खिड़की का काम भी किया गया है। उसके साथ साथ आ जाते हैं इस घर के फ्रंट की तरफ। तो आप देख सकते हो कि घर का जो प्लिंथ लेवल है, जो प्लिंथ वाला बीम है, वहीं से बाहर की तरफ छज्जा निकाला गया है। ये देख सकते हो, ये बिल्कुल अलग टाइप से यहाँ पे बनता हुआ घर है। उसके साथ साथ उधर आप देखते हो तो किचन और डाइनिंग एरिया है, वहाँ पर भी लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास में छज्जा बाहर निकाला गया है। दोनों तरफ से यहाँ पर ब्रिकवर्क किया गया है। उसके साथ साथ ऊपर में भी देखिएगा इस तरीके से छज्जा का निर्माण है वो किया गया है, छज्जा को निकाला गया। सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर भी चलकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बनते हुए घर का जो फर्श का लेवल है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो घर के लिए प्लिंथ लेवल है या फिर जो कुर्सी का लेवल है, आम समय बोलते हैं ये कुर्सी लेवल है, इसका हाइट क्या है। तो देखिए, लगभग 3.5 फीट के आसपास में इस घर के लिए जो ग्राउंड लेवल है उससे 3.5 फीट के आसपास में इसका ऊंचाई को रखा गया है। इसके साथ साथ जो बीम लगाया गया है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 10 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे जो प्लिंथ बीम है उसका निर्माण किया गया है। इसमें 4 सरिये का प्रयोग किया गया है 12 mm का। अब आ जाते हैं इस बनते हुए घर के लिए जो कॉलम का साइज रखा गया है वहाँ पर। देख सकते हो कि 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। एक कॉलम है वो 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हो। और इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 16 mm का। आप साइड में कुछ इसी तरीके का, इसी साइज़ का कॉलम को आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप उस कॉर्नर की बात करेंगे तो 9 इंची बाई 12 इंच का कॉलम वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है 6 सरिया के साथ। आप देख सकते हो जिसमें 4 सरिया 16 mm का है और 2 सरिया 12 mm के साथ यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, ये तो था कॉलम और बीम का बात। इसके साथ साथ इस घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसका काम किया गया है। उसके साथ साथ अगर लिंटल लेवल पे आप देखोगे तो बिल्कुल आपको जो लिंटल लेवल के लिए बीम जो रहता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, लेकिन यहाँ पे कट लिंटल का उपयोग किया गया है। ये देख सकते हो बिल्कुल कंटिन्यू जो हम लोग बीम लगाते हैं उसका इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पर कट लिंटल का प्रयोग किया गया है। सारा दरवाज़ा पे आप देख सकते हो। तो ये है इस घर के लिए साइड व्यू, और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हो ये है इस घर के लिए फ्रंट व्यू है। देखिए, आने वाला दिन में कुछ आपको अलग डिज़ाइन बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। जो छज्जा लगाया गया है यहाँ पे भी देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से तिरछा यहाँ पे छज्जा का काम किया गया है, और वहाँ पे सिंपल छज्जा के साथ रखा गया है काम को। नीचे की तरफ भी देखिए, ये इस घर के लिए डाइनिंग एरिया के साथ साथ किचन है। तो यहाँ पे भी स्लैब का जो बाहर की तरफ निकाला हुआ है काम, वो आपको देखने में लग रहा है, और आने वाले दिन में आपको कुछ अच्छा काम यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलग टाइप का काम देखने को मिलने वाला। इधर भी आप देख सकते हो कि कुछ इस ढंग से इस घर के लिए छज्जा का निर्माण किया गया है। ये इस घर के लिए फर्स्ट लेवल, और ये है इस घर के लिए 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन डोर। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर किस तरीका से इस घर का अंदर में काम को किया जा रहा है। चलिए चलते हैं। हालांकि यहाँ पे मिट्टी फिलिंग हो जाएगा, देख सकते हो मिट्टी की यहाँ पे भराई हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आप घर में एंटर होते हो। 4 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है, के साथ ही आपको यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का मिल जाता है। हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, देखिए ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, कुछ ऐसा काम यहाँ पे किया गया है। साथ में बात कर लिया जाए, मैं मेन गेट पे ही खड़ा हूँ, देख सकते हो इस तरीके से। इस मेन गेट के बाईं तरफ आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। ये देखिए, कुछ इस तरीके से सीढ़ी का निर्माण किया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और सीढ़ी का जस्ट पीछे आपको इस घर के लिए पहला रूम देखने को मिल जाता है। रूम में भी लेकर चलूँगा, सारा चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर जो सीढ़ी का काम किया गया है इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सीढ़ी में घुसने के साथ ही यहाँ पर एक विंडो है, अच्छा है, आपका
यहाँ पे घर हवादार रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सीढ़ी बनाया गया, अगर इसका बात किया जाए तो एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण किया गया है। और देखिए बिल्कुल यह इस तरीके से सीढ़ी स्टार्ट होता है और जिस तरीके से घड़ी घूमता है उसका विपरीत दिशा में यहाँ पे बनाया गया। देखिए घड़ी है कुछ इस तरीके से घूमता है, तो सीढ़ी जो है ना स्टार्ट वास्तु के अनुसार इधर से होते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वास्तु के उलट यहाँ पे काम किया गया है, आप देख सकते हो। तो इस ढंग से इसका काम को किया गया है। लगभग 3 फीट का चौड़ाई में यहाँ पे जो स्कर के लिए फ्लाइट है सीढ़ी के लिए, और लैंडिंग में 3 फीट का यहाँ पे चौड़ा रखा गया है। तो इस ढंग से स्कर का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके जस्ट पीछे मैंने आपको बताया कि आपको इस घर के लिए पहला रूम देखने को मिलता है। चलिए मैं रूम को दिखाता हूँ, सारा चीज़ दिखाऊंगा। आप देखिए कॉलम के बारे में बताऊंगा जो अंदर में गलत काम किया गया है, इसको भी और भी ज़्यादा दिखाऊंगा ताकि आप लोग अपने बनने वाले घर के लिए कुछ आइडिया ले सको। तो देखिए यहाँ पर भी लगभग 10 फीट बाई 11 फीट के आसपास का साइज में आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला बेडरूम। यहाँ पर डबल विंडो का प्रयोग 4 फीट बाई 4 फीट, यहाँ पर भी 4 फीट बाई 4 फीट का डबल विंडो का प्रयोग किया गया है। कट लिंटल यहाँ पर लगाया गया, देखिए जो बीम है उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखते हुए ना रखते हुए पैसा बचाने के लिए कुछ इस तरीके से कट लिंटल का प्रयोग किया गया। कट लिंटल भी आप रख सकते हो अगर आपने फ्लोर बीम में अच्छा काम करवाया है, नीचे का प्लेन बीम में अच्छा काम करवाया है, कॉलम अच्छा तरीके से दिया है, तो आप कट लिंटल भी उपयोग कर सकते हो। देखिए जितना दूर में खिड़की उसे एक एक फिट आप बढ़ते हुए इस तरीके से कट लिंटल उपयोग कर सकते हो, उसमें ज़्यादा बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ गलत काम किया गया है लिंटल में, अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए इस ढंग से इस घर के लिए जो पहला बेडरूम है उसका काम किया गया है। इसके साथ साथ ये इस घर के लिए दूसरा बेडरूम है, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, उसका जो काम किया गया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। फिर उधर आपको इस घर के लिए मास्टर बेडरूम है, उसमें अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम भी बनाया गया है, उसे दिखाऊंगा। उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन है, इसको भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो पहला बेडरूम आपने देखा, चलिए अब चलते हैं इस घर के लिए दूसरा बेडरूम है, वहाँ पे कि कैसा काम किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक विंडो आपको देखने को मिलता है, कोई भी वेंटिलेटर इस घर में आपको देखने को नहीं मिलता है। वेंटिलेटर आपको घर में ज़रूर लगवाना चाहिए। उसके साथ साथ ये है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ये है इस घर के लिए मास्टर बेडरूम बिल्कुल कॉर्नर पे, और कॉर्नर वाला जो मास्टर बेडरूम वहाँ पर भी डबल विंडो का प्रयोग किया गया है, ये देख सकते हो। और इसके साथ साथ ये आपको अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम इस रूम के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो रूम के अंदर टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनाया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इस घर के लिए जो किचन बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो, ये हॉल और डाइनिंग एरिया का जो एरिया है जस्ट उसी के बगल में यहाँ पे किचन का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। ये किचन में जाने के लिए यहाँ पे दरवाज़ा आ सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको चाहो तो एल शेप का भी किचन प्लेटफॉर्म बना सकते हो, या फिर यू शेप का भी किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप बनवा सकते हो। यहाँ पे इस घर के लिए विंडो है, ऊपर में वेंटिलेटर आप आसानी के साथ देख सकते हो, या फिर वहाँ चाहो तो एडजस्ट फैन के लिए आप जगह के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए। तो कैसे इस घर का निर्माण किया गया आइए मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, उसके बाद में जो गलत काम किया गया इसके बारे में बताऊँगा। देखिए आप भी देखिए कहाँ गलती है, आप जब तक ढूंढिए। देखिए वहाँ से उन्होंने घर में एंटर किया था, इधर आपको मिल गया था सीढ़ी रूम, ये सीढ़ी रूम वाला एरिया है, इधर आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है, और यहाँ बिल्कुल आप मैं इस लास्ट छोर पे खड़ा हूँ, देख सकते हो ये इस घर के लिए किचन है। तो इस तरीके से किचन है, हॉल है, डाइनिंग एरिया है, सीढ़ी है, उधर आपको पहला बेडरूम मिला था, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फिर मिला था दूसरा बेडरूम देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल गया था कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ये आपको मास्टर बेडरूम डबल विंडो के साथ, और ये जो आधा जगह है अंदर से ही यहाँ पे आपको इस रूम के लिए अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाया गया था। इस तरीके से काम को किया जा रहा है। अब बात किया जाए कि इसमें गलत क्या किया गया है, कहाँ पे भी गलत काम किया गया है। तो देखिए इतना ही दूर में गलती किया गया है, ये देख सकते हो इतना दूर में पूरा गलत काम किया गया है, आप देख सकते हो, अंदाज़ा भी आप लगा सकते हो कि कहाँ पर गलत काम किया गया है। देखिए दोस्तों किसी भी घर के लिए जो सबसे मजबूत पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका घर के लिए जो प्लेन बीम है उसको मजबूत रखना चाहिए, कॉलम को मजबूत रखना चाहिए, उसके साथ साथ फ्लोर बीम के साथ छत का ढलाई को मजबूत रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले मैं छोटा गलती से शुरुआत करता हूँ, ये जो कॉलम है कॉलम के ऊपर जो छत के साथ साथ फ्लोर बीम का कास्टिंग किया गया, यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका बिल्कुल सरिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पर आपको नज़र आता है। देखिए
इस तरीका से। तो इस तरीका से आपको घर का ढलाई में काम नहीं करना चाहिए। और अगर आपका छत का ढलाई हो गया है, बाद में आपको जो डिसेक्टिंग करते हो पता चलता है कि इस तरीका से जगह छूटा है, तो फिर आपको यहाँ पे तुरंत उसका मरम्मत कर देना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बड़ा यहाँ पे गलती किया गया है कि कट लिंटल जो लगाया गया है तरीका सही नहीं है। कट लिंटल आप लगा सकते हो, लेकिन इसको आपको उसी समय लगाना चाहिए जब आप अपने घर के लिए कॉलम का निर्माण कर रहे हो। उससे पहले ही आपको कॉलम का, जैसे मान लीजिए 7 फीट में आपको लगाना है कट लिंटल, तो 7 फीट का कॉलम का कास्टिंग किया, उसके बाद फिर इसका दीवार के साथ साथ इसका कास्टिंग आपको कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि पहले फ्रेम स्ट्रक्चर इसका बनाया गया, उसके बाद जो कट लिंटल है उसके लिए फिर यहाँ पे कटिंग किया गया। देख सकते हो ये जो कॉलम है इसका कटिंग करते हुए, उसके बाद फिर इसमें डालते हुए यहाँ पे इसका ढलाई वो किया गया। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सब जितना भी कॉलम है जहाँ पर भी कट लिंटल आया है, देख सकते हो वहाँ पर भी कॉलम का कटिंग करते हुए इसका काम है वो किया गया है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इधर भी आप देख सकते हो, तो ऐसा आपको जो भी काम है लिंटल से संबंधित उसी समय सोचना चाहिए जब आप घर के लिए जो कॉलम या बीम का कास्टिंग करवा रहे होते हो। उसी समय आपको सोचना चाहिए कहाँ से आपको बीम लेना है, वो तो उसी समय आपको ढलाई इसका करवाना चाहिए। देख सकते हो वहाँ पर भी कॉलम कटिंग करते हुए किया गया, यहाँ पर भी कॉलम कटिंग करते हुए किया गया, इधर भी कॉलम कटिंग करते हुए काम को किया गया। तो ऐसा में आपको इससे थोड़ा बचना चाहिए, और अगर आपके घर के मजबूती के बारे में सोचते हो आप, तो इससे आपको बचना भी चाहिए। इस घर के लिए फर्श का काम देख सकते हो कि सॉइल फिलिंग के साथ साथ यहाँ पे जो काम किया गया है, इसके बाद ब्रिक का सोलिंग किया जाएगा, फिर ढलाई के साथ फर्श का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। मैंने बताया कि 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम 4 सरिया के साथ 16 mm का सरिया के साथ इस्तेमाल किया गया, 9 इंची बाई 12 इंची का भी कॉलम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल किया गया। अगर ज़्यादा दूरी पर कॉलम है तो बड़ा साइज़ का कॉलम लगा दिया गया है, नज़दीक कॉलम है तो छोटा साइज़ का जो कॉलम है उससे भी काम यहाँ पे निकाला गया है। बाहरी दीवार आप देख सकते हो 10 इंची का है, अंदर का जो पार्टीशन वाला है वो सारा 5 इंची के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाला दिन में आपको एक से बढ़कर एक जो घर बनाने से संबंधित वीडियो है इस चैनल पर देखने को मिलते रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंसल्टिंग को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।